पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता और संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे स्वर्गीय रणबीर सिंह हुड्डा की पुण्यतिथि सोमवार को मनाई गई। खेड़ी साध स्थित समाधि स्थल पर हवन यज्ञ हुआ, जिसमें खुद पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू वर्मा की रिपोर्ट। उनका सारा जीवन संघर्ष में, पहले आजादी की लड़ाई में, फिर किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए संघर्ष उन्होंने किया। और आज जो किसान बैठे हैं और जो मांग कर रहे हैं कि MSP गारंटी दी जाए, तो सबसे पहला प्रस्ताव आवाज स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह ने विधानसभा में उठाई थी। रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने कहा था एक दिन आपको ये इसकी न्यूनतम मूल्य किसान को देना पड़ेगा। और वो बाद में जैसे स्थिति हुई PL 480 का जो अनाज आता था, जब ये देखा देश लूट रहा है, तो उस समय फैसला किया गया। सी सुब्रमण्यम मंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री थे, उस समय ये फैसला किया गया था कि MSP दी जाएगी। आज उसी बात को लेकर किसान बैठा है, क्योंकि उसको आज MSP नहीं मिल रही है। तो आज जो परिस्थिति है, 60 दिन से ज़्यादा जो किसान बैठे हैं, ये उन लोगों की जो रणबीर सिंह जी ने भी किसानों की लड़ाई लड़ी, भारतीय कृषक समाज के वो संस्थापक महामंत्री थे, संस्थापना जो डॉक्टर देशमुख ने की वो प्रधान थे, रणबीर सिंह जी उसके सेक्रेटरी थे संस्थापक। तो किसान की, गरीब आदमी की सदैव उन्होंने आवाज़ उठाई। हरिजन से संघ के अध्यक्ष रहे, तो आज वो रास्ता वो हमारे को दिखा के गए हैं। हमको सबको उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि आपस में समाज में प्रेम हो और किसान समृद्ध हो, गरीब आदमी भी हो। उनका जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने का उनका था नारा था कि कोई हमारे देश में भूखा ना रहे, कोई हमारे देश में बगैर छत के ना रहे, कोई हमारे देश में बगैर वस्त्र के। अच्छा, आपने 3 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई, क्या इश्यूज उसमें थे? ये जो मौजूदा परिस्थिति चल रही है किसानों की, बिल लाना चाहते हैं हम, जो APMC में अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, और जिस प्रकार से राजस्थान ने, पंजाब ने सब पास किया, वो हम बिल अपना रखेंगे, ताकि अगर वो हो तो ये कानून जो है किसान के हित के नहीं है, हरियाणा में लागू नहीं होने चाहिए। बजट को लेकर कितने शॉर्ट आप प्रोग्राम सवाल लेंगे जी? ओवरऑल जो सिचुएशन पूरे देश में आज हालात बने, उस पर आप क्या कहना? देखिए, आज कोई अखबारों में एक बात प्रकाशित हुई है कि शायद 2 तारीख को किसानों की सरकार की दोबारा बातचीत होगी। मैं सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये बातचीत के लिए नहीं, इसको समाधान निकालने की तैयारी से सरकार ये बातचीत करे। इसमें कोई तारीख नहीं मिलनी चाहिए, एक समाधान मिलना चाहिए। ये आज मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है। बाकी अच्छा, जिस तरह के केस हैं, दर्ज हो रहे पत्रकारों पर भी हो रहे हैं, काफ़ी नए हैं जो जुड़े हुए हैं। देखिए, 26 जनवरी को जो घटनाक्रम हुआ था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच के बाद जो भी उसमें उपद्रव में कोई शामिल पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर उसके साथ साथ उसकी आड़ में अगर निर्दोष किसानों पे या निर्दोष पत्रकारों पे अगर कोई नाजायज़ उनको परेशान किया जाता है, मुकदमे बनाए जाते हैं, तो वो मैं समझता हूँ बिल्कुल उचित नहीं होगा। और न्याय की ये आवश्यकता है कि दोषी के खिलाफ तो कार्रवाई हो, पर किसी भी निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया जाए। ठीक है।